सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरेन सर ओडिया। पिला माने जो प्रथम थर पई चैनल को व्यू करछन चैनल को सब्सक्राइब करा पई भूलबे नी। वीडियो डी भल लागिले हृदय लाइक करिवे, वीडियो डी को निश्चित भाबे अधिक रु अधिक परियाने शेयर करिवे। तेमे आमे आपण मानकर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 मसिया निमन्ते आम यूट्यूब चैनल बीरेन सर ओडिया रे मॉडल पेपर एक सीरीज स्टार्ट करथिलु, जेउथरे कि आमे प्रत्येक मॉडल पेपर रे 10टा लेखे प्रश्न नै आपण मान सहित आलोचना करियौछु। तो यही मॉडल पेपर सीरीज रो आज आपण मानकर पेपर नंबर 40 डिस्कशन करिबा, एवं यही प्रश्न गुड़िक आपण मानक निश्चित एग्जाम दृष्टिकोण आपको हेल्पफुल हे। तेणु भिडियो को शेष पर्यटन देखिए अधिक परिमाण में भिडियो को शेयर करेंगे। तेज डेरी नक चलतु आरंभ करवा प्रथम प्रश्न रु। प्रश्नटी पढ़ू कौन रही, प्रश्नटी रही तीनोटी संख्यार हाराहारी 60, प्रथम संख्याटी अन्य दुई संख्यार एक विभक्त 4 हेले प्रथम संख्याटी केते। ऑप्शन गुड़िक रही 30, 36, 42 एवं 45। आपण प्रश्नटी पढ़ी जापारे प्रश्नटी आपण मानक हाराहारी कनसेप्ट अच्छी, तो चलतु प्रश्नर समाधान करवा। तो प्रथम कही आपन को तीनोटी संख्यार हाराहारी 60, जदि तीनोटी संख्यार हाराहारी 60 ताले से तीनोटी संख्यार जोगफल केते हबो कोंतु, ताले से तीनोटी संख्यार जोगफल केते हिजो आपन मानकर ना 3 × 60 दैट इज इक्वल टू पिला माने आपन मानकर 180। तो संख्या मानकर जोगफल केमिति भारे ने जदि आपन को हाराहारी रे संख्या मानकर हाराहारी देछि एवं राशि मानक संख्या देछि, तेणु से राशि मानक जोगफल बाहर करिया पय हेले आपन हाराहारी को जेतोटी राशि अछि ता सहित गुणिबा पय पड़िबो। सो तीनोटी संख्या देछि तीनोटी राशि एवं से मानकर हाराहारी 60, तेणु हाराहारी को आपन से राशि मानक संख्या द्वारा गुणिले आपन मानक राशि मानक जोगफल बाहर जीव। तो 180 होछि संख्या मानक जोगफल। एबे कहूछि जे प्रथम संख्याटी दुई अन्य दुई संख्यार एक विभक्त 4 अंश हे, अर्थात आपन एठी 180 रो आपन पिला माने कोन करिवे एक विभक्त 4 बाहर कर देबे, 180 को 4 काटले 45 आपनकर आसीबो आंसर, एवं ऑप्शन डी रे रहिछि 45 जहाँ कि आपन मानकर हिजबो सठिक उत्तर। ओके क्लियर। एबे चालू जीवा परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नटी रहिछि आपन मानकर दुईटी संख्यार ग सागु 11 एवं सेमानकर लसागु 679, जदि गोटे संख्या 77 हुए तेबे द्वितीय संख्याटी केते। ऑप्शन गुड़िक रही 97, 99, 98, 110 सॉरी 100। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न, देखंतु आपण मानकर प्रश्न रे दुईटी संख्यार ग सागु देछि ल सागु देछि एवं गोटे संख्या दे दीछि अन्य संख्याटी पचारछि। तो आपण निश्चित भाव में प्रश्नटी केउ कांसेप्ट आसतिबो जानि पड़ुथबे ग सागु ल सागु रो कांसेप्ट। पिला माने आपण मने पकांतो गोटे फॉर्मूला अछि जे संख्या द्वयर ग सागु गुणन ल सागु समान संख्या द्वयर गुणफल। तो संख्या द्वयर ग सागु गुणन ल सागु होची आपण मानकर संख्या द्वयर गुणफल, अर्थात प्रथम संख्या गुणन द्वितीय संख्या। तो आपण को प्रथम संख्याटी दे दी ग सागु ल सागु दे दी, तो द्वितीय संख्याटी पायापे हेले आपण कौन करिवे ग सागु को ल सागु सहित गुणिबे एवं ताको प्रथम संख्या द्वारा भाग कर देबे, ता द्वारा आपण आवश्यक द्वितीय संख्याटी पाई जिवे। तेणु एठारे आमे 11 को गुणिबा 679 द्वारा एवं ताको भाग कर दबा केते द्वारा ना 77 द्वारा। देखंतु 77 को 11 जदि काटिबे आपण 7 हबो एवं 600 जो आपणकर 79 रहिला ताको जदि 7 द्वारा पिला माने भाग करचोंती उत्तर हबो आपणकर 97 एवं आपणकर आवश्यक उत्तरटी रहिछि ऑप्शन नंबर 1 रे। ओके क्लियर हेले। एबे चलंतु जीवा परवर्ती प्रश्न को। एबे चलंतु पिला माने परवर्ती प्रश्न देखिबा, एटा बहुत ही गोटे सुंदर प्रश्न रहिछि एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्य, तेणु एभली प्रश्न आपणकु एग्जाम रे पचरा जिवार बहुत ही संभावना अछि। आपण प्रश्नटी को भल भाव ध्यान देखि शुणंतु एवं बुझंतु जे किपरि भाव आपण यार समाधान करिवे। तो पिला माने प्रश्नटी एभली अछि जे 3 अंक विशिष्ट सबुठारु छोट संख्या जहाँ 4, 6, 8 एवं 12 द्वारा पूर्ण रूपे विभाजित हो पारिबो से संख्याटी केते। ऑप्शन गुड़िक यथाक्रमे आपण मानक रही 104, 120, 240 एवं 980। तो देखंतु प्रश्नटी आपण मानक सुंदर प्रश्नटे, आपण यहाँ समाधान किपरि करिबे प्रथमे बुझंतु। क्वेश्चन आपणको कहूछि जे 3 अंक विशिष्ट सबटारु सान संख्याटी किए जहाँ कि आपण 4, 6, 8 एवं 12 द्वारा पूर्ण रूपे विभाजित करें, अर्थात से ही संख्याटी आप 4, 6, 8 और 12 द्वारा भाग कर तेज प्रत्येक क्षेत्र में भागशेष पे आपर शून आसवे से संख्याटी आपर के। तो आपको पचारन अंक विशिष्ट सब सान संख्या जेहतु सान संख्या पचार तेणु ये आम प्रथम काम हो 4, 6, 8 और 12 लसागु निर्णय करेंगे। पिलाने प्रश्नटी को समाधान करने आपण मानक लसागु कनसेप्टर यूज करके। तेणु आम चलत प्रथम 4, 6, 8 एवं 12 एमानकर लसागु निर्णय करिबा। तो प्रथम 2 द्वारा भाग कले आपण मानकर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 + 8 एवं 2 × 12। पुणी आपण 2 द्वारा भाग करंतु 2 × 2, 3 × 3 रहिला 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। एबे पिला माने आपण पुणी 2 द्वारा भाग करंतु, 2 द्वारा भाग कले आपण मानकर
सॉरी तीन द्वारा भाग करना तीन द्वारा भाग कले तीन के तीन दुई को दुई होगा तीन के तीन पुणी दुई द्वारा भाग कर एक 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 तो आप दुई दुले चार तीन बार दुले चबीश तो पिलाने लस आगे केत पड़ी आसा चबीश आसा लस आगे आपर पड़ी आसा ट्वेंटी फोर चबीश एबे आपण कौन करिवे प्रथमे आपण मानकर 4 6 8 को 12 लॉस आगु निर्णय करले लॉस आगु निर्णय कला परे कौन करिवे देखंतु मडी लिखि दउची लॉस आगुटा केते भालला लॉस आगु आपण मानकर लॉस आगुटा भालला 24 तापर आपण कौन कहउची तीन अंक विशिष्ट सब सबडर सान संख्या निर्णय करिवे तो पिला माने तीन अंक विशिष्ट सबडर सान संख्या केते गिरे जटा को आपण तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या कहउचंती तो तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हउची 100 ओके वर्तमान आम काम या जे आम 100 को ये जो लॉस आगु द्वारा भाग करिबा 100 को जदि आपण भाग करउचंती 24 द्वारा तो जोटा भाग शेष आसीबो सेटा ही आमर आवश्यक अटे तो भाग करंतु 24 चो पिला माने आपण 6 लबे तो भाग शेष बढ़ आपर 4 ये भाग शेषटा ही आम आपर इम्पोर्टाट कारण कौन जो भाग शेषटा बाहर ताको आपड़ कौन करेंगे ये लस आगु वियोग करेंगे तो भाग शेष बाहर 4 24 रु वियोग करूँ सो 24 रु 4 को जब आप वियोग करते उत्तर पाँच 20 एवं पुणी कौन करेंगे ये 20 टी आणिक मिसेदेवे क्या सहित 100 सहित ओके यहीटा हूँ आपर पे प्रोसीजर आपने क्वेश्चन करते सर कहीं आप मिसुच्च कहीं फेड़ तो यहाँ हूँ प्रोसीजर ये क्वेश्चन आंसर बाहर करने ओके तो 100 को 20 सहित मिस 120 आसीबो उत्तर जहाँकि आपर देखूँ ऑप्शन नंबर रही 2 रे ओके मुझे आपदे क्वेश्चन समाधान किपर कर तो आप प्रथम ये 4 6 8 और 12 लस आगे निर्णय करेंगे लस आगे जीक हम ताको तीन अंक विशिष्ट शब्दर सान संख्या मानते 100 द्वारा डिवाइड करेंगे जोटा भाग शेष आसो से भाग शेष को आप लस आगु वियोग करेंगे जो वियोग फलटा पाइबे पुणी आप 100 रे जोग करदे आपर आवश्यक उत्तर पाइबे ओके क्लीयर हेल्ले चलते जी परवर्ती प्रश्न को देखंतु परवर्ती प्रश्नटी बहुत ही सुंदर प्रश्न रही है या को आम बहुत ही सरल सहजरे अति कम समय मध्य केमी सल्व कर प्रश्नटी रही तीनोटी क्रमिक संख्यार समष्टि 87 एमानका मध्यरु बृहत्तम संख्याटी केते तो आपणकर ऑप्शन गुडी रही 28 26 29 एवं 30 देखंतु आपणकर जाईती तीनोटी क्रमिक संख्यार समष्टि देची 87 पिला माने आपण माने जानिथिबे जदि तीनोटी क्रमिक संख्यार समष्टि आपणकु दोची 87 ताले मझी संख्याटा बाहर करियार गोटे फॉर्मूला अछि कोन आपणकु संख्या मानकर समष्टि द्वारा जदि 3 कु भाग कर दोचंती ताले से तीनोटी संख्या मध्यरु मझी संख्याटा आपण पाइजिबे त हम सेया करिबा त मझी संख्याटा जदि पाइजिबा ताले आपणकु बृहत्तम संख्याटा मिलिबा सहज हबो त प्रथम मझी संख्याटा बाहर कर दियंतु त मझी संख्याटा बाहर करिया पय आपण कोन करिवे ना संख्या मानकर समष्टि कु से 3 द्वारा भाग कर देबे 87 कु पिला माने आपण 3 द्वारा भाग करचंती त आपणकर 29 आसीबा उत्तर अर्थात मझी संख्याटा आसीबा 29 आपणकर क्रमिक संख्या तीनोटी रही जदि मझी संख्याटा 29 बाहर ता परवर्ती संख्याटा हम आपर बड़ संख्या एवं ता पूर्ववर्ती संख्याटा हम आपर छोट संख्या तो मझी संख्यार परवर्ती संख्या केमी बाहर ना तादर एक मिसेबे तेणु 29 रे पिला माने एक मिसेले आपणकर बाहर करिवे 30 एवं से 30टा ही आपणकर आवश्यक उत्तर जहाँकि हम आपर बृहत्तम संख्या एवं ऑप्शन नंबर डी रे रही आपर उत्तर टी ओके क्लीयर हेले एबे चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती प्रश्नटी देखंतु प्रश्नटी बहुत ही सुंदर प्रश्नटी रही प्रश्न कहुची 4 घंटा 30 मिनिट गोटी दिनर शतकड़ा केते अटे ऑप्शन गुड़िक रही 18 पूर्ण 3 विभक्त 4 20 16 पूर्ण 2 विभक्त 3 19 ओके केते सुंदर प्रश्नटे आपर शतकड़ा कनसेप्ट क्वेश्चन पचार तो क्वेश्चन टी कौन जे 4 घंटा 30 मिनिट गोटे दिन रत शतकड़ा अटे अच्छा पिला माने मते प्रथम तो कहतु एक दिन आपन को वन डे कौन एक दिन आपर के घंटा एक दिन हूँ आपर 24 घंटा ओके तो ये गोटे कम करूँ ये 24 घंटा टी आप मिनिट्रे कनवर्ट कर दिंतु तो 24 घंटा को मिनिट्रे कनवर्ट कले 24 × 60 करेंगे जहाद्वारा मिनिट्रे कनवर्ट हो तो 24 रे आपण जदि 60 गुणुचंती तो आपणकर 1440 मिनिट आपर आसीब उत्तर केते आसीब तो 1440 मिनिट अर्थात एक दिन होउछि आपर 1440 मिनिट ओके क्लीयर हेले तापर आमे कौन करिबा ए जो 4 घंटा 30 मिनिट आपको आपण मिनिट्रे कनवर्ट कर दिंतु तापर आमे शतकड़ा बाहर करिया को आपण सहज हबो तो एक दिन को आपण कनवर्ट कर देले मिनिट को एटा हला आपणकर 1440 मिनिट तापर जो 4 घंटा 30 मिनिट रही याकु जदि आपण कनवर्ट करछन आपणकर केवल मिनिट को तो घंटाटा को मिनिट करिया पई 60 गुण दिंतु बाकी ये 30 मिनिट को 30 मिनिट रहइबो सो ये 6 6 24 अर्थात 240 मिनिट युक्त 30 मिनिट तो मोट हो गला 270 मिनिट 270 मिनिट एबे आमे कौन करिबा ना ये जो 270 मिनिटा 1440 रो केते शतकड़ा बाहर करिबा अर्थात
आपणको बाहर करिया पड़ो जे 270 विभक्त 1440 गुणन 100 यार मूल्यटा के बुझिपारती। तो आपण या सहजरे काटिपारे काटतु काटिले के तो कटाकटी कले पाने यहाँ आस 75 विभक्त 4 आपत सरल करूँ तो सरल कले आस 75 विभक्त 4 आपण मानक उत्तरटा हो 18 पूर्ण 3 विभक्त 4 शतकड़ा बुझिपारे 18 पूर्ण 3 विभक्त 4 शतकड़ा अर्थात 4 घंटा 30 मिनिट गोटे दिन 18 पूर्ण 3 विभक्त 4 शतकड़ा अटे और उत्तर देखूँ 18 पूर्ण 3 विभक्त 4 शतकड़ा रही ऑप्शन नंबर 1 रे। कैलकुलेशनटा पिलाने सब इम्पोर्टेंट आप कैलकुलेशन टी सहजरे करेंगे आप आंसर टी से कम समय बाहर करेंगे। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती प्रश्न देखूँ प्रश्न कही केते सरल सुध हार मूलधन 20 वर्ष 3 गुण हे ऑप्शन रही 10 शतकड़ा 20 शतकड़ा 12 शतकड़ा 30 शतकड़ा। प्रश्नटी आपर पे सरल सुध कसा कनसेप्ट पचार क्वेश्चिने कहे केते सरल सुधरे माने रेट ऑफ इंटरेस्ट पचार रेट ऑफ इंटरेस्ट पचार पचार सरल सुधरे मूलधनटा आपण मानकर 20 वर्ष 3 गुण हो टाइम आपन को कहे पे 20 वर्ष आउ कौन कौन मूलधनटा 3 गुण अर्थात आपणकर समूल सुध हो 3 गुणन मूलधन बुझिपार्थी अर्थात ए इज इक्वल टू 3p। तो 20 वर्ष केते सरल सुध हार एटा 3p अर्थात मूलधनटा आपण मानकर 3 गुण हो। तो ये डाटा को आम यूज करके आपण मानकर कौन करिया पिला माने ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करवा सुधर हार बाहर करवा जदि आपन को ए दौर 3p तो मत कहतु आई रैल्यू के जानते आई फॉर्मूला हूँ ए माइनस पी ओके हाँ कि ना आई रैल्यू हूँ ए माइनस पी तो ए जगह आम यदि 3p बसीद माइनस पी करदे दैट इज इक्वल टू 2p अर्थात आईटा आपण मानकर 2p सहित सामान है आई रैल्यू हो गला 2p। एबे आपण आर फॉर्मूला पकई कि आपण आंसर बाहर करेंगे तो आर फॉर्मूला कौन पिला माने आर आम जानते आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपण मानकर पी इंटू टी तो आई जगार आपड़ लिखिपारे के पाने 2p लिखिपारे कारण आम प्रूफ कले आई इज इक्वल टू 2p ये 100 को 100 रहा विभक्तक पी को पी रहा आपण टाइम जगह आपको 20 तो ऊपर पी कैनसल कर दिंतु पी कैनसल करदे आपण मानकर यहाँ आसीज 20 को 2 काटिले 10 तो ये 100 को 10 काटिले 10 शतकड़ा आपण मानकर आंसर एवं देखूँ ऑप्शन नंबर 1 रही 10 शतकड़ा ओके क्लीयर हेले केमती आम सल्व कले प्रथम आपण को क्वेश्चन में डाटा प्रोभाइड कर समयटा हूँ 20 वर्ष आपण को सहित कौन कही पाने आपंकर एटा हम 3p ओके एटा हम 3p आपण को रेट ऑफ इंटरेस्ट पचार तेणु आपड़ी कौन कले ना आपण मानक प्रथम बाहर करदे आई रैल्यू तो आई इज इक्वल टू 2p होगापर ये आप आर फॉर्मूला पकईकी आपर आर रैल्यूटा पाईगले ओके क्लीयर। चलो जीवा परवर्ती प्रश्न पे देखो ये प्रश्न आप सरल सुध कसा कनसेप्ट बहुत ही सुंदर प्रश्न प्रश्नटी आपको कौन वर्षक शतकड़ा 4 सरल सुधरे क्यों मूलधनर 6 मासर सरल सुधटा 150 टका हेबो ऑप्शन गुड़िक रही 5000 टका 7500 टका 10000 टका 15000 टका। तो प्रश्न में आपको कौन कौन डाटा प्रोभाइड कर प्रथम से गुड़िक देखूँ आपन कौन वर्षक शतकड़ा 4 सरल सुधरे अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट आपन को पिलाने 4% कौन है ना क्यों मूलधनर अर्थात आपन को पी पचार 6 मासर सरल सुध तो टाइम पिलाने आपको दे 6 मास बुझिपारे टाइम दे 6 मास तो सुधटा दे आपको इंटरेस्टा दे 150 टका 150 टका। तो ये डाटा प्रोभाइड कर पचार ना पी पचार सो ये सब आपर ठीक ठाक अच्छी केवल जो टाइमटा अच्छे आप 6 मास ताको आप वर्षे कनभर्ट करेंगे कारण समयटा को आम सब वर्षे कनभर्ट करती तो 6 मास आप जहाँ 1 विभक्त 2 वर्ष से ओके तो 6 मासटा को आप लिखिदेवे 1 विभक्त 2 वर्ष एवं आम सीधा फर्मूला पकईकी आपंकर आंसर बाहर करवा ओके चलो फर्मूला पकईवा तो पी रमूला पे कौन पी रमूला हूँ आई आप आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी ओके आई आपण मान पाने 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर हूँ पे आपण मानकर के 4 इंटू टाइम हूँ आपण मानकर 1 विभक्त 2 वर्ष तो 4 को 2 काटिले 2 आपण मानकर 100 को जदि 2 काटुच 50
तो 150 रे आपण मानकर जदि 50 से आपण मल्टीप्लाई करछोंती तले उत्तर आसी जीव 7500 टंका। ओके जहाँ कि आपण मानकर ऑप्शन नंबर 2 रे रहिची जे 7500 टंका जोडा कि आपणकर पी रो मूल्य भार जाउची। ओके क्लियर हेले चालंतु डेरी न करी जीवा परवर्ती प्रश्न को। तो पिला माने देखंतु परवर्ती प्रश्नटी बहुत ही सुंदर प्रश्नटी एवं ए प्रश्नटी आपण मानकर समय दूरता वेग संबंधी क्वेश्चन एवं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन जो रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न एटा होची सेई प्रकार क्वेश्चन। ओके तो देखंतु प्रश्नटी कोन रहिची जदि 100 मीटर लंबा विशिष्ट गोटे ट्रेन घंटा को 30 किलोमीटर वेगरे गति करे तेबे रेल लाइन पाखरे ठिया होइथिबा गोटे लोक को ट्रेन टी केते सेकंड रे आपण मानकर अतिक्रम करिवो। ऑप्शन गुडी रहिची 10 सेकंड 11 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड। केडे सुंदर प्रश्नटी देखंतु प्रश्न रे आपन को कोन कोन डाटा प्रोवाइड करची आपन प्रथमे से गुडी को लेखंतु आपन को पिला माने बेग दे दिची। ओके ट्रेन नो बेग केते दिची ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो बेग आपन को दे देला केते ना 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर। ओके ता सहित आपन को कोन दिची जे 100 मीटर लंब विशिष्ट गोटे ट्रेन अर्थात ट्रेन नो लंब दे दिची आपन को बेग दे दिची 30 किलोमीटर पर आवर ता सहित दिची आपन को ट्रेन रो लंब ट्रेन नो लंब दी जहाँ कि आपणकर 100 मीटर पिला माने देखंतु क्वेश्चन पचारची जे रेल लाइन कडरे गोटे ठिया होइतिबा आपण मानकर लोक को ट्रेन टी केते सेकंड रे अतिक्रम करिवो। आपण पिला माने गोटे कांसेप्ट जानिथिबे जे जेतेबेले ट्रेन गोटे बत्ती खुंट को किंबा गोटे गच्छ को किंबा रेल लाइन कडरे ठिया होइतिबा गोटे लोक को अतिक्रम करूची अर्थात से निजर दैर्घ्य को अतिक्रम करूची अर्थात से निजर दैर्घ्य को आपण मानकर अतिक्रम करूची बुझि पाछन ना नाही तेणु आपण को पचारि जे समय केते सोता निजर दैर्घ्य को अतिक्रम करियो माने आपण मानकर ता निजर दैर्घ्यटा होची 100 मीटर अर्थात 100 मीटर को से अतिक्रम करिवो। आपण को बेग दे दैछि आपण को ट्रेन नो लंब बा दूरता दे दैछि आपण को पचारि समय आमे फार्मूला पिला माने कोन जानछंती जे स्पीड इज इक्वल टू आपण मानकर डिस्टेंस बाय टाइम अर्थात बेग होउची दूरता विभक्त समय तेणु समयटा को बाहर करिया पय हेले आपण को दूरता को बेग द्वारा भाग करिया पय पड़िवो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एठी आपण समयटा को बाहर करिवे तेणु सेति पय आपण मानकर जो दूरता देछि अर्थात ट्रेन नो लंब अर्थात 100 मीटर को भाग करिवे केते द्वारा ना आपण मानकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा द्वारा भाग करिवे। देखंतु क्लियर हेले एति कथा आपण कोन करबे पडिबो एठी सब ठीक ठाक अछि किंतु पिला माने गोटे प्रॉब्लम अछि। प्रॉब्लम कोन डिस्टेंस टा आपण को मीटर देछि 100 मीटर किंतु जो स्पीड आपण को देछि से स्पीड टा हेछि किलोमीटर पर आवर रे अछि एटा अछि 30 किलोमीटर पर आवर रे तेणु आपणकर प्रथम काम होची जो स्पीड टा अछि आपणकर किलोमीटर पर आवर रे ताको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिवे। तो केमिति कन्वर्ट करिवे मु आपण को कहिथिली जेतले कोनोसी गोटे स्पीड आपण मानकु दिया जाइछि किलोमीटर पर आवर रे आपण ताको मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करिया को चाहौछंती सिंपली आपण कोन करिवे ना से बेग को आपण 5 विभक्त को 18 द्वारा गुणी देबे गुणी देबा द्वारा सेटा आपण मानकर पिला माने कन्वर्ट होइ जइबो कोथिरे ना मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट होइ जइबो तेणु 30 को आपण 5 विभक्त को 18 द्वारा आपण मल्टीप्लाई करिवे तो याकु कटाकटी कले पिला माने आपण मानकर आसीबो 25 विभक्त को 3 मीटर पर सेकंड। ओके 25 विभक्त को 3 मीटर पर सेकंड तेणु आपण एठी स्पीड टा को कन्वर्ट कर देले मीटर पर सेकंड रे एवं आपण को डिस्टेंस टा देछि 100 मीटर एबे आउ कोनोसी काम करिया नाही सीधा सळख चालंतु टाइम बाहर करिवा तो टाइम टा आपण मानकर केते होइ जइबो ना डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड स्पीड होची 25/3 मीटर पर सेकंड तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जीवो ये आपणकर 100 गुणन 3 विभक्त को 25 हो जीवो सेकंड दैट इज इक्वल टू 100 को 25 करले 4 4 3 12 सेकंड आपण मानकर आसी जीवो उत्तर बुझिपारछंती अर्थात आपण मानकर से रेल लाइन पाखरे ठिया हेतिबा से लोकटी को ट्रेन टी मात्र 12 सेकंड रे अतिक्रम करिवो एवं आपण मानकर उत्तर टी देखंतु ऑप्शन नंबर 3 रहिची एवं एटा ही आपणकर हबो करेक्ट आंसर। ओके क्लियर हेले पिला माने एबे चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखंतु पिला माने परवर्ती प्रश्न टी कोन रहिची परवर्ती प्रश्न टी कहउची केउ संख्या रो 2 विभक्त को 3 रो 4 विभक्त को 3 समान 80 अटे। ओके तो से संख्या टी आपण निर्णय करंतु ऑप्शन गुडी को रहिची 72 80 90 64 तो केउ संख्या रो 2 विभक्त को 3 रो 4 विभक्त को 3 80 अटे। तो एठी आमे कोन करिवा चालंतु माने करंतु संख्या टी को एक्स बोली कंसीडर करनियंतु जदि संख्या टी एक्स हबो त क्वेश्चन अनुसार एक्स रो 2 विभक्त 3 अर्थात एक्स से गुणन 2 विभक्त 3 तार 4 विभक्त 3 माने गुणन 4 विभक्त 3
यार भैल्यू के 80 दे तो ये आप एक्स रैल्यूटा निर्णय करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू के आपंकर ना 80 गुणन तीन विभक्त क 2 गुणन 4 तो 2 चौ 8 दशा 80 तो 10 गुणन 3 गुणन 3 तो आंसर है 3×9=90 अर्थात 90 हो जाए आपण मान से ही संख्याटी जो संख्यार 2 विभक्त 3 र 4 विभक्त 3 80 अटे तेणु उत्तर गुड़िक मध्य 90 देखु पे आपण मानक रही ऑप्शन नंबर सी रे ओके एबे चलंतु ए भिडियोर शेष प्रश्नटी को जीवा पिलामाने देखंतु ए भिडियोर शेष प्रश्नटी बहुत ही सुंदर प्रश्नटी आपण मानकर प्रश्नटी कहुची गोटे पक्षी दलर एक चतुर्थांश पक्षी नदीकूल अछंती एवं एक पंचमांश पक्षी सेमानकर बसारे अछंती बलका 22 पक्षी खाद्य संधान अछंती तेबे नदीकूल पक्षी संख्या केते आपण पचारछि नदीकूल पक्षी संख्या ऑप्शन गुडी रहिछि 40 18 10 8 ओके तो बहुत ही सुंदर प्रश्न आपण पिलामाने प्रश्नटीर समाधान किपरि करिवे देखंतु आपण गोटे काम करंतु एठी मोट पक्षी संख्या को धरिनंतु एक्स जदि आमे मोट पक्षी आपण मानकर कौन करिवा मोट पक्षी संख्या को आमे एक्स बोली कन्सीडर करनवा मन करंतु मोट पक्षी संख्या होउचंती एक्स जदि मोट पक्षी संख्या एक्स होउचंती तो मत आपण कहंतु जे नदीकूल केते पक्षी अछंती ना नदीकूल आपण मानकर अछंती केते ना एक चतुर्थांश अर्थात मोट पक्षी संख्यार एक चतुर्थांश दैट इज इक्वल टू एक्स इंटु 1/4 दैट इज इक्वल टू एक्स बै 4 ये होंगे आपण मानकर नदीकूल पक्षी संख्या तापर आपको बाहर करने पड़ो जे आपण मानक बसार केते पक्षी अच्छा बसारे पक्षी संख्या केते कौच ना एक पंचमांश अर्थात मोट पक्षी संख्यार एक विभक्त 5 अंश दैट इज इक्वल टू एक्स बै 5 तो ये आपगले बसार पक्षी संख्या बाकी आपणकर खाद्य संधान के पक्षी अच्छा ना 22 पक्षी अच्छा बड़का पक्षी होती 22 तो आपण मानक मोट पक्षी संख्या होती एक्स तो ताध मानकर एक चतुर्थांश अच्छा आपण मानक नदीकूल एक पंचमांश पे आपर बसार अच्छा बाकी 22 पक्षी कौन करना आपण मानक खाद्य सन्धान जाइंट तो यदि आप इक्वेसन में कनभर्ट करेंगे तो मोट पक्षी संख्या एक्स इज इक्वाल टू एक्स वाई 4 प्लस एक्स वाई 5 प्लस 22 हाँ कि ना ये कहतु मत ओके क्लीअर यू आम कौन करवा इक्वेसन टी सल्व करवा सल्व करके एक्स रैल्यूटी बाहर करवा ओके एक्स रैल्यू बाहर आम नदीकूल पक्षी संख्या को आपण काढ़ीपारे तो चलतु सल्व करवा इक्वेसन टी तो इक्वेसन टी आपर कौन रही एक्स इज इक्वाल टू एक्स वाइ 4 प्लस एक्स वाइ 5 प्लस 22 तो ये आप जो राइट साइड रे अच्छी एक्स वाई 4 प्लस एक्स वाई 5 प्लस 22 से आपर एलसीएम नहीं जातु लसा को नहींगले तो लसा को आपंकर पलिस 20 तो 20 आसे आपर ऊपर हो 5x प्लस 4x प्लस 440 ओके एक्स इज इक्वाल टू एति एम्प्लाइज एक्स इज इक्वाल टू ऊपर एम को जोग करदे आपण मानक पाने के पलिस ना 9x प्लस 440 विभक्त 20 एवं वज्र गुणन कर दिंतु तो वज्र गुणन कले आपण मानकर आंसर पलिस 20x इज इक्वाल टू 9x प्लस 440 इम्प्लाइज 20x रु 9x आपण सब्ट्रैक्ट हो 11x इज इक्वाल टू 440 तो एक्स रैल्यू पे पलिस 440 विभक्त 11 दैट इज इक्वाल टू एक्स रैल्यू आसो 40 ओके एक्स रैल्यू पलिस 40 तो आम मोट पक्षी संख्याटी को आपण मानकर बाहर करदे जदि मोट पक्षी संख्या आपण पाई वर्तमान आपण अति सहजरे नदीकूल पक्षी संख्या बाहर करेंगे कारण आपण को नदीकूल पक्षी संख्या कही मोट पक्षी संख्यार एक विभक्त 4 अंश तो एक्स रैल्यू आपण पाइले 40 तो वर्तमान बाहर करेंगे मोट पक्षी संख्यार एक विभक्त 4 अंश दैट इज इक्वाल टू एक्स वाई 4 दैट इज इक्वाल टू 40/4 दैट इज इक्वाल टू आपण मानकर 10 ओके तो नदीकूल पक्षी संख्या आसीगला आपंकर 10 एवं उत्तर देखो आप ऑप्शन नंबर सी रे आशा करे वीडियो रे आलोचना कर 10 प्रश्न आपण मानक निश्चिंत भाव में भल लगी वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे सेयार करेंगे एवं आम चैनल को प्रथम थर पर जब व्यू कर सब्सक्राइब करेंगे कारण यही सीरीज आपर यही मॉडल पेपर सीरीज टी आपर एग्जाम पर्यटन आम कंटिन्यू रखे गॉड ब्लेस योर पिला थैंक यू वेरी मच।